न्यूजीलैंड दौरे के बाद अब भारत अपनी सरजमीं पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भिड़ने वाली है, जिसको लेकर स्टार स्पोर्ट्स ने एक प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग बेबी सिटिंग करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली गई टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान टिम पेन ने भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को बेबी सिटिंग करने के लिए कहा था, और पंत ने एक समारोह के दौरान उनके इस चैलेंज को पूरा किया था। भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव T20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर एक गेंदबाज बनने के करीब पहुंच गए हैं। ICC की जारी ताजा रैंकिंग में कुलदीप यादव 728 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि अफगानिस्तान के राशिद खान 793 अंकों के साथ टॉप पर बरकरार हैं। न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी क्रेग मैकमिलन ने इस साल इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप के बाद बल्लेबाजी कोच पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। 5 साल तक इस पद पर रहने वाले मैकमिलन ने कहा कि क्रिकेट के बेहद व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से वो अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। मैकमिलन के कोच रहते हुए कीवी टीम ने 2015 विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। 2020 के टोक्यो ओलंपिक से पहले भारतीय शूटिंग को बड़ा झटका लगा है। भारतीय शॉटगन शूटरों से जुड़े सबसे पुराने विदेशी कोच मार्शलो दादरी ने 20 साल बाद अपने कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। अनुबंध में हुई देरी के चलते दादरी ने यह फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक उन्हें चीन से प्रस्ताव मिला है और वो जल्द ही चीन की निशानेबाजी टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। अर्जेंटीना के स्ट्राइकर सर्जिगो अगैरो की हैट्रिक के दम पर मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी को 6-0 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ मैनचेस्टर सिटी ने 65 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर अपनी जगह बना ली है। अप्रैल 1991 के बाद लीग में चेल्सी की यह सबसे बड़ी हार है। तब चेल्सी को नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 7-0 से करारी शिकस्त दी थी।